Amazon Prime Day. What are you bringing up? लाइव है मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा। या वी आर लाइव नाउ। चलिए, हेलो एवरीवन। इट्स राइटली सेड दैट वी ऑल हैव वंडर वुमेन अराउंड अस एंड वन सच वंडर वुमेन इज आल्सो विद अस टुडे, श्वेता उपाध्याय। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 रिजल्ट इज बीइंग डिक्लेयर्ड एंड शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 25, विच इज अज अचीवमेंट। और श्वेता ने गेट 2022 में भी टॉप रैंक अचीव करी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इनफैक्ट डबल कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता। गेट 2022 और ESE 2022 दोनों को क्रैक किया आपने एक साथ, और ये बहुत ही रेयर अचीवमेंट होती है। मतलब अगर हम पिछले 10 सालों का ट्रैक देखें, बहुत ही कम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो गेट और ESE को साइमल्टेनियसली क्रैक कर जाते हैं, क्योंकि दोनों एग्जामों का जो नेचर है वो वेरी कर जाता है। मतलब जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो ESE का टॉपर है वो गेट में टॉप नहीं कर पाता, या जो गेट का टॉपर है वो ESE में टॉप नहीं कर पाता। तो एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है ये, एंड यू हैव डन दैट। मतलब आप की जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग होगी बाकी लर्नर्स के लिए भी, कि किस तरीके से हम दोनों पेपर्स को पैरेलली लेके जा सकते हैं और फाइनली उसको अच्छी रैंक से क्रैक भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता फॉर बोथ योर अचीवमेंट्स। थैंक यू सो सो मच सर। सो हाउ इट फील्स टू क्रैक टू ऑफ दी बिगेस्ट एग्जामिनेशन फॉर एन इंजीनियर? आई एम वेरी हैप्पी एंड माय फैमिली इज मोर हैप्पियर देन मी ऑल, सो हाँ, क्योंकि इट्स लास्ट टाइम भी अपन मिले ही थे गेट के टाइम पे, यस तो उस समय आप प्रिपेयर कर रहे थे इसके। तो श्वेता, मैं स्टार्ट इसी से करता हूँ कि बहुत सारे लर्नर्स को एक क्वेरी होती है कि सर मेरे को गेट की तैयारी करनी चाहिए या मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो आप एक लाइव एग्जाम्पल है उनके लिए, और मेरे ख्याल से बेस्ट एग्जाम्पल है उनके लिए टू गाइड कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड ESE। मतलब अलग अलग तैयारी होगी दोनों की, एक साथ होगी तैयारी दोनों की, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? थोड़ा सा डिफरेंस है। गेट थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और ESE थोड़ा मेमोरी बेस्ड होता है, तो थोड़ा डिफरेंस रहता है। पर दोनों के साथ में की जा सकती है, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, कंटेंट सेम है, टेक्निकल सेम है। नॉन टेक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पढ़ना पड़ेगा अलग से, पर मतलब ऐसा बहुत अलग डिफरेंट तैयारी नहीं होती, तैयारी तो सेम ही होती है। दोनों एग्जाम को हम पैरेलली लेके जा सकते हैं। हाँ इसलिए श्वेता, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे लर्नर्स को कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, फ्रॉम वेयर यू हैव डन दी ग्रेजुएशन, वेदर यू हैव डन दी मास्टर्स और नॉट, एंड हाउ यू वर एज अ स्टूडेंट। मतलब जब आप अपनी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में एग्जाम्स देते थे तो कैसी परफॉर्मेंस रहती थी आपकी? स्कूलिंग मैंने करी थी DPS से, लखनऊ से। उसके बाद मैंने HBTI कानपुर ज्वाइन किया था 2016 में। मैं 2020 की पास आउट हूँ और मैं हमेशा से एवरेज ही रही थी, कभी मैं बहुत टॉपर तो नहीं रही। ये पहला अचीवमेंट है मेरा पहला क्या, मतलब और और पहला फर्स्ट। अचीवमेंट ही ऐसा कि मतलब सबका ड्रीम ही है गेट और ESE क्रैक करना। सो मतलब यस ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कॉलेज में या स्कूल में कितने मार्क्स आए हैं या हम वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फिर एक एवरेज स्टूडेंट भी हो और कोई हम्बल बैकग्राउंड से भी हो, चाहे कहीं से भी स्कूलिंग करी हो, क्योंकि काफी लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, हम बड़े IITs या NITs से नहीं पढ़े हुए तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। तो मेरे ख्याल से आप परफेक्ट एग्जाम्पल है उनको बताने के लिए कि इट हार्डली मैटर्स कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है। इनफैक्ट आपका जो परफॉर्मेंस है स्कूल में और कॉलेज में वो भी मैटर नहीं करता है यहाँ पे। द ओनली थिंग मैटर्स इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। यस सर, यहाँ तो सबको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है हमें यहाँ हाँ, पे। जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मास्टर्स भी कर रखी है? ओके, सर मैंने IIT खड़गपुर ज्वाइन किया था 2021 में, पर मैंने 1 साल किया है, ट्रांसपोर्टेशन से MTech किया है, 1 साल किया था। उसके बाद फिर मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी NPCIL में, तो मैं वहाँ यहाँ तो पे आपने ज्वाइन कर ज्वाइन कर लिया। लिया।
ओके, तो ईएसए की प्रिपरेशन आपने जॉब में रहते रहते ही करी है, पार्टली एमटेक में और पार्टली जॉब में करी पार्टली है। जॉब में. सो अगेन मेरे ख्याल से लर्नर्स की एक ये क्वेरी भी रहती है कि सर हम मास्टर्स कर रहे हैं, क्या एमटेक के साथ तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते, या हम जॉब में हैं, जॉब में रहते रहते इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते. मेरे ख्याल से आप काफी अच्छी तरीके से उनको बता पाएंगे कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम की तो कमी हो ही जाती है, चाहे हम एमटेक कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो. तो आप कैसे मैनेज करती थी, आपका मतलब टाइम शेड्यूल कैसे होता था, कैसे सारी चीजों को हैंडल करते थे आप? सर मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो तीन चीज़ें मैं साथ में कर रही थी, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करती थी। और थोड़ा ये भी हुआ कि टेस्ट सीरीज भी उतनी नहीं लगा पाई थी, कहीं कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, तो ओके, तो वेस्ट नहीं करो तो टाइम निकल जाता है। फोकस किन चीजों के ऊपर होता था आपका? मेरा बेसिकली PYQs पे ही रहता था। फोकस पीवाई के ऊपर रहता था. ओके, चलो ठीक है. तो जब आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, व्हाट वाज योर अप्रोच, मतलब जैसे आप आपका टारगेट क्या था, गेट था या इंजीनियरिंग सर्विसेज था स्टार्टिंग से ही? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था, मैं टेक्निकली पढ़ रही थी तो बिल्कुल शुरू से ही पढ़ रही थी, तो मतलब एक ही मतलब एम था कि आपको अपना जो कंटेंट था, अपना हाँ सिलेबस था, उसे कवर करना था, और सारे बाकी एग्जाम्स जैसे मैंने भरे थे तो ऐसा कुछ सारे स्पेसिफिक एग्जाम्स देने एग्जाम थे नहीं आपके, था। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपकी प्रिपरेशन की? मतलब आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगाते थे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन से लगाते थे, या ओवरऑल जैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए वैसे करते थे? सर प्री से पहले तक तो मैंने कभी सब्जेक्टिव नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो एमटेक के साथ में उतना हो नहीं पाया था, तो मैंने उसके पहले ऑब्जेक्टिव ही लगाया था। पर मैं सजेस्ट करूंगी अगर किसी के पास टाइम हो तो वो लगा ले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उससे ओके, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। और मतलब फिर अगर शुरुआत में सब्जेक्टिव लगाते चले पैरेलली, हाँ तो साथ मतलब साथ में जैसे खत्म करते जाएंगे तो लगाते जाएंगे तो लास्ट में इजी हो जाता है काफी मेंस से क्लैरिटी पहले। ज्यादा आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हाँ बन जाती है उससे, हाँ और इवन इनफैक्ट प्री के जो मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं। प्री के मार्क्स तो इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि जो हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस करते हैं या उनकी तैयारी करते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो उसी में से बन के आते हैं. हाँ यस सर तो मतलब काफी लर्नर्स के माइंड में ये भी एक क्वेरी रहती है कि नहीं सर अभी हम प्री की तैयारी करेंगे उसके बाद मेंस के अलग प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं जो भी प्रिपरेशन करनी है वो कलेक्टिव करनी है, मतलब पूरा कंटेंट हाँ हमें एक साथ लेके चलना है एक बारी. और अगर प्री का एग्जाम पहले है तो हम एग्जाम से कुछ टाइम पहले उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के, और जब मेंस की बारी आती है तो हम अपने मेंस के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं उस समय. ओके, सो इफ यू कैरी फॉरवर्ड, जैसे आपके गेट में तो जब आपने पीएसयू में आपका सिलेक्शन हुआ तब भी आपका इंटरव्यू हुआ होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी यस लास्ट स्टेज हमारी इंटरव्यू सर स्टेज होती है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, वही हमारी रैंक भी डिसाइड कर जाती है, या अगर हम बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो सिलेक्शन भी हो सकता है अगर इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे हैं. इस स्टेज को कैसे डील किया आपने? मतलब काफी लोगों को दिक्कत होती है इंटरव्यू फेस करने के अंदर, लोगों को फेस करने में. हाउ यू टैकल दिस इंटरव्यू स्टेज? इंटरव्यू में पैनलिस्ट बहुत सपोर्टिव होते हैं, अगर आप नर्वस होते हैं तो पहले वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। मैं भी बहुत नर्वस थी तो, पर उन्होंने काफी अच्छे से स्टार्टिंग में पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा था, तो मतलब उससे कंफर्टेबल हो जाता है एनवायरनमेंट वहाँ का। थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज है इंटरव्यू, पर वैसा होता नहीं है। आधे होता घंटे का हो जाता है, पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन ही होती है उसी में काफी वो. नॉर्मल रहती है ओके, और कुछ बेसिक अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते क्वेश्चन। और आपके जो क्वेश्चंस थे वो किससे थे रिलेटेड? इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो जैसे आप जॉब कर रहे थे तो जॉब से रिलेटेड थे, या जो आपके मास्टर्स की थी उससे रिलेटेड थे? सर दोनों सही थे मेरे, अर्थक्वेक से रिलेटेड था और बेसिकली अर्थक्वेक पे फोकस किया था उन्होंने, और मेरा ट्रांसपोर्टेशन से एमटेक था तो रिजिड पेवमेंट के बारे में पूछ रहे थे। ओके, मतलब जो लास्ट आपने किया हुआ है हाँ अपना प्रोजेक्ट या जो काम किया हुआ है उसके बारे में सवाल में मैक्सिमम पूछे जा रहे थे. हाँ यस सर ओके, तो मतलब फोकस हमें उसी के ऊपर रखना चाहिए जो लास्ट हमारा, जैसे अगर कोई बीटेक किया हुआ है तो हाँ बीटेक में जो बीटेक प्रोजेक्ट कर प्रोजेक्ट सकते हैं है, प्रिपेयर। मास्टर्स कर हाँ रखे तो जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, अगर आप जॉब में है प्रेजेंटली तो जो रोल आपको मिला हुआ है उस रोल पे ऊपर प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली ज्यादा बन जाती है. अच्छा, इंटरव्यू में एक डाउट और आता है हमारे लर्नर्स का, बहुत ही कॉमन डाउट होता है लर्नर्स का, कि अगर हम हिंदी में इंटरव्यू दें तो कोई इश्यू है इससे? मतलब क्या सर लैंग्वेज ऐसा बैरियर होती है?
मैंने तो इंग्लिश में दिया था, पर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है वहां पे। इंटरव्यूअर्स भी हिंदी में एक दो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं, हिंदी में बात हो रही थी। मतलब अगर हिंदी में हम बोलते हैं तो ये लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती हमारे लिए, मतलब नहीं, इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है। ओके okay, मतलब किसी भी लैंग्वेज में हम अपना इंटरव्यू कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यस सर। ओके श्वेता, आपने जब तैयारी करी होगी तो बहुत सारी गलतियां भी करी होंगी, मतलब बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे तैयारी के टाइम पे। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लर्नर्स को, जो मिस्टेक आपने करी, कि वो उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करें, मतलब उनका टाइम वेस्ट नहीं हो उसके अंदर और वो ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। मिस्टेक्स तो पहले, सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद पीवाईक्यूज बनाना शुरू करो, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता, जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने लगोगे तो डिप्रेशन आएगा और फिर बनेंगे भी नहीं। क्योंकि लोग क्वेश्चंस पहले बनाना चालू कर देते हैं और फिर हाँ, थ्योरी बाद में करते हैं, इनफैक्ट कई बार जो उल्टा भी मैंने भी करते किया हैं, है। हाँ या आपने भी किया, मतलब क्वेश्चंस कर लें और उससे ही सेटिस्फाई हो जाता है कि हमने क्वेश्चंस लगा लिए, अब तो मतलब कंसेप्ट डेवलप हो गया हमारा। क्वेश्चंस बनते भी नहीं है फिर, और डिप्रेशन होता है, और कई बार ऐसा लो फील करते हैं, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो सब पे ध्यान नहीं देना। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट होती है, मेरे भी ओके नहीं ओके आते थे मार्क्स। मतलब वो बस एक आपके लिए एक इंडिकेटर का काम करता है कि नहीं आपको भी हाँ और तैयारी करनी है या कौन से हाँ टॉपिक्स हमारे वीक है। हाँ तैयारी ओके करते हो बस। अच्छा श्वेता, एक कॉमन क्वेरी और भी आती है हमारे लर्नर्स की कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन जीएस पार्ट, मतलब हम इंजीनियर्स लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते जीएस के अंदर, नॉन टेक वाले पोर्शन के अंदर, या जहां पर करंट अफेयर्स आ जाती है, तो गेट और ईएससी दोनों में ही नॉन टेक पोर्शन तो है ही। इस नॉन टेक के पोर्शन को आपने कैसे प्रिपेयर किया था? हाउ यू प्रिपेयर दिस नॉन टेक पोर्शन? सर मैंने बहुत अलग अलग जगह से कंटेंट इकट्ठे करके पढ़े थे, तो ऐसा कोई एक सोर्स नहीं था। कुछ ओके पीडीएफ डाउनलोड किए थे, कुछ यूट्यूब से पढ़ा था, कुछ कुछ ऐसे ही पढ़े थे। मतलब जीएस तो बहुत वास्ट है, तो उसका एक जगह पे सोर्स सफिशिएंट होता नहीं है, तो ओके उसमें टाइम लगता है कंटेंट इकट्ठे करने में और फिर पढ़ने में भी, याद भी नहीं रहता है उतना। ओके और करंट अफेयर्स के लिए? ओके और करंट अफेयर्स के लिए मैंने वीकली मैगजीन पीडीएफ डाउनलोड किया था, मैंने वीकली कौन मैगजीन सी, का। तो अच्छे काफी लोगों को ये भी इंटरेस्ट होता है कि कौन सी मैगजीन से हमें पढ़ना चाहिए ताकि वो भी उसी को फॉलो कर पाए, सर ऐसा कोई स्पेसिफिक एक चीज नहीं फॉलो करी थी मैंने, कई मतलब आपका कोचिंग जो, मटेरियल को। अच्छा को हाँ, जो जहाँ पे भी आप कोचिंग कर रहे थे वहां का मटेरियल आपने फॉलो किया था? कोचिंग नहीं कर रही थी मैं, अच्छा कोचिंग नहीं मैंने कर रहे, हाँ मैंने ओके बस ऑन जो फ्री पीडीएफ होते हैं वही डाउनलोड जो फ्री किए थे पीडीएफ मेरे। से आपने बस वही फॉलो किए थे। ओके सो कंटेंट सब हर जगह का सेम रहता है, तो वो तो मैटर नहीं करता। और करंट अफेयर्स में एक इशू ये भी आता है कि कितने टाइम पहले तक का करंट अफेयर्स हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे अगर हमारा एग्जाम है तो उससे 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, कहाँ तक जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स की तो कोई लिमिट है ही नहीं, एंडलेस है वो, तो कितने टाइम पहले तक का करंट अफेयर्स रेलिवेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए? पर मैंने तो जनवरी तक का किया था, फेब में एग्जाम था तो मैंने जनवरी तक का कंप्लीट किया था, पर मुझे लगता जैन है कि से करंट कहां अफेयर्स तक, के जैन से पीछे कहां तक, सर जून तक का किया था, जून तक का, जून मतलब टू जैन। मतलब 8 से लेके 10 महीने तक का हम यस जो पिछले कंटेंट है उसको जीएस के लिए ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। कुछ वीकली कुछ मंथली ऐसे ही किया था, पर कवर ओके किया था, ट्राई किया था, पर कवर मुझे सारे नहीं, कर, हाँ पर मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा, मतलब टाइम ज्यादा लगा और उतना इफेक्टिव नहीं लगा, तो मुझे लगा दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना चाहिए था। ऑब्वियसली मतलब इतना ही अगर हम टाइम दूसरे टेक्निकल टॉपिक्स में हाँ, डालें तो आउटपुट ज्यादा निकल के आएगा हमारा। टेक्निकल भी, इवन नॉन टेक के भी कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ड्राइंग और मटेरियल साइंस, इन सब के क्वेश्चंस बनते हैं वहां जाके। करंट अफेयर्स का कुछ भरोसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं वहां पे। बिल्कुल, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लर्नर्स की मोस्टली क्वेरी इसी में होती है कि जीएस और करंट अफेयर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। मेरे हिसाब से इस पे अगर हम एफर्ट डालते भी हैं तो जो इम्प्रूवमेंट होता है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। हाँ, टाइम ज्यादा लगता है। उतना ही टाइम अगर हम टेक्निकल पोर्शन में डालें तो जो इम्प्रूवमेंट है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा निकल के आ जाती है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर। यस सर। तो श्वेता, ये आपका पहला अटेम्प्ट ही था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, नहीं सर, दूसरा था, और 21 पहले में अटेम्प्ट दिया था में कैसी परफॉर्मेंस थी आपकी? ओके सर। पहले टर्म में 241 गया था, प्री का कट ऑफ मेरे 239 थे, तो मतलब पिछले मेरा अटेम्प्ट प्री में भी प्री नहीं, हाँ भी प्री नहीं भी हुआ नहीं था। क्लियर था। हाँ ओके प्री नहीं तो होता है। पिछले बार के अटेम्प्ट में और इस बार के अटेम्प्ट में ऐसा क्या चेंज किया आपने अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कि इस बार तो बिल्कुल ही मतलब फोड़ दिया पेपर आपने?
पिछली बार तक का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट था उस टाइम तक, तो काफी नॉन टेक भी नहीं पढ़ा था, ये सारी चीजें डिफरेंट थी। और इस बार नॉन टेक पढ़ा था, सिलेबस पूरा कंप्लीट था। पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज पिछली बार नहीं दी थी, पीवाईक्यूज भी नहीं कंप्लीट थे पिछली बार तो। अच्छा, और आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? मतलब किस स्टेज पे आके आपने ये सोचा था कि नहीं, मेरे को अब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन में मैं बीटेक पास हुई थी, वहां से मैं थोड़ा टाइम वेस्ट किया लॉकडाउन में, सबने किया ही होगा। उस टाइम पे कुछ कोचिंग और उसका नहीं था इतना, उसके बाद से 21 की स्टार्टिंग से किया मतलब था। आपने ग्रेजुएट होने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करी हाँ प्रॉपर प्रिपरेशन तो बाद में स्टार्ट बाद करी में, तो उसके। आपको क्या लगता है, मतलब जब एक लर्नर ग्रेजुएट हो जाए उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करे, या उससे पहले भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट? नहीं, बीटेक के साथ में करो तो और अच्छी चीज है। मैंने लेट किया, लेट नहीं करना आपने आपने चाहिए। लेट किया, मतलब हाँ थर्ड ईयर के एंड तक हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड ताकि ईयर जब के हमारी एंड तक। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आपकी तरह दो दो ऑप्शन हमारे लिए हाँ खुल जाए, गेट में भी सिलेक्शन हो जाए और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो जाए। हाँ तो लक पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, पर तैयारी तो करनी चाहिए बीटेक में भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए श्वेता, आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर पाएंगे लर्नर्स के लिए कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस ज्यादा करें, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम्स के अंदर, तो अगर हम उन एग्जाम्स को, उन टॉपिक्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो जो इफेक्टिवनेस है या जो एफिशिएंसी है मार्क्स लाने की, वो कंपैरेटिवली बढ़ सकती है। तो आप कुछ तीन चार टॉपिक बता सकते हैं जिनका वेटेज इन जनरल सारे एग्जामों में ज्यादा होता है और उनके ऊपर फोकस ज्यादा डालना चाहिए? सर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे आरसीसी, एनवायरनमेंट, सॉयल, इनमें भी आरसीसी में स्पेशली बीम्स, इन सब पे ज्यादा फोकस, या इन सब के तो मतलब मेंस के क्वेश्चंस भी बना लेने चाहिए अच्छा, उसमें। मतलब वही, मतलब हाँ कवरेज और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसको हैं इनकी कवरेज पूरी होनी चाहिए। एटलीस्ट इन सारे टॉपिक्स पे बना लेने चाहिए मेंस के प्री के पहले ही, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हेल्पफुल रहते हैं। और कुछ सब्जेक्ट जैसे सीपीएम पढ़ के भी आजकल काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल 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 मतलब डमी एक्टिविटीज भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, हर बड़े बड़े नेटवर्क डायग्राम्स आ रहे हैं, तो उसके भी मुझे लगता है बना लेने चाहिए प्री के लिए भी। प्री में भी बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा श्वेता, आप ये बताएंगे कि जैसे आपने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, इनफैक्ट सबके साथ ही ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, यस तो यहाँ पर रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। आप रिवीजन कैसे करते थे अपने टॉपिक्स के, फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी, किस तरीके से आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाया करते थे? सर, मैं पहले नोट से पढ़ती थी या बुक से, जहाँ से भी पढ़ना होता है, जहाँ से भी आपने पहली बार पढ़ा है वहाँ से पढ़ के एक बार शॉर्ट नोट्स लिखती थी, मतलब एक A4 शीट पे 2-4 सब पेजेस में पूरा सब्जेक्ट लिखती थी, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव मुझे याद रहता था। और रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी आपकी? रिवीजन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने 1-2 बार किया है रिवीजन, ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं। मतलब एक दो बार रिवीजन करके भी अपना काम चल जाता है हाँ पर मैं अगर आप टाइम पूरा देती थी, मतलब टाइम पूरा मैं देते, मतलब बारह बारह अल्टीमेटली यही है घंटे भी कि पढ़ती थी मैं। जब 12 घंटे भी निकाल लेते थे आप। हाँ ठीक है, छुट्टी वाले दिन तो निकालती थी। चलिए, और उसका रिजल्ट दिखता भी है अल्टीमेटली, इट पेज ऑफ। नेक्स्ट, एक जो और टूल है जो हमारी प्रिपरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टेस्ट सीरीज। फिर से एक कॉमन क्वेरी होती है हमारे एस्पिरेंट्स की कि हम टेस्ट सीरीज कब देना स्टार्ट करें, मतलब हम प्रिपरेशन के किस स्टेज पे पहुंच जाएं कि टेस्ट देना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, मॉक टेस्ट दें या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, किस तरीके से हम इन टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूज कर पाए अपने सिलेक्शन के लिए? टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब करेंगे, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट लगता नहीं कितना भी पढ़ लो तो। और टेस्ट में मार्क्स भी कम आते हैं तो उससे कुछ फर्क होता नहीं है, जब भी एक बार भी पढ़ो तो टेस्ट दे दो, तो एटलीस्ट वीक टॉपिक्स पता चल जाते हैं, तो अगली बार के रिविजन के लिए वो यूजफुल रहते हैं। मतलब वीकली वीकली आप टेस्ट देते रहते थे रेगुलरली? हाँ स्टार्टिंग से ही देने चाहिए, स्टार्टिंग में देते थे। और आपका मतलब टाइम टेबल क्या रहता था, क्योंकि आप तो जैसे एमटेक में भी थे और जॉब भी कर रहे थे जब आप तैयारी
कर रहे थे इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो आप टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे, मतलब चीजों को डिवाइड कैसे करके रखते थे? क्योंकि अगर हम जॉब कर रहे हैं या एमटेक में इन्वॉल्व हैं तो मेंटली तो एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं दोनों ही चीजों के अंदर, उसके बाद फिर तैयारी करना, मतलब कैसे आपने अपने आप को चार्ज अप रखा और मोटिवेटेड रखा और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा इसके बाद? जब दिखता है जॉब नहीं रहती है तो अपने आप मोटिवेशन आता है, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं रहती कोई है। एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं रहती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, अगर हमारा जो टारगेट है या जो एम है वो बहुत स्ट्रांग है तो फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट रहती। क्योंकि ये जो सवाल है ये बच्चों के सवाल है जो आते हैं, सर मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा मैं, अब सर मुझे मोटिवेट कर दो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है फिर तो आपका जो एम है वही बहुत वीक है। अगर मेरा एम स्ट्रांग है कि मुझे नहीं ऐसे निकालना है या गेट निकालना है, तो वही अपने आप में एक मोटिवेशन होती है कि नहीं यार टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें तो अपनी तैयारी पूरी करनी है। हाँ, उस टाइम पे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता उस टाइम पे। बिल्कुल। अच्छा श्वेता ये बताओ कि जैसे आपने गेट में तो टॉप रैंक अचीव करी थी, अभी जेसी में आई, तो दोनों में से ज्यादा अच्छा या ज्यादा मजा किस में आया? घर वालों की जो फीलिंग थी वो पहले रिजल्ट गेट के टाइम पे और अभी वाले में कोई चेंज आया कि अब तो नॉर्मल बात हो गई, बताएगी ये तो सारे पेपर फोड़ लेती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब अभी ईएससी का रिजल्ट आया था तो मेरे घर वालों को लगा कि मेंस का ही रिजल्ट दोबारा देख लिया है उन्होंने, तो उन्होंने पहले चेक करवाया कि फाइनल ओके रिजल्ट है या मेंस का ही रिजल्ट है जो दोबारा देख लिया है, नाम देख रहा है। ओके तो बड़ी बड़ी बात थी घर वालों के लिए, तो मुझे बात। थोड़ा आइडिया था तो जब आपको ठीक मतलब पहले से ही था। था कि इस बार मतलब सिलेक्शन हो जाएगा आपका? मैं इतना नहीं था, पर थोड़ा सा रहता है कि मेंस अच्छा हुआ था तो थोड़ा सा था, इंटरव्यू मेंस अच्छा हुआ था मेरा ओके okay. तो थोड़ा सा लग रहा था। चलो ठीक है। अच्छा श्वेता आप ये बताएंगे जैसे जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि ड्यूरेशन हमारे एग्जामों की इतनी बड़ी है, प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम चाहिए होता है, 1 साल 1.5 साल लग जाता है एग्जाम देने में और फाइनली उसका रिजल्ट आने में, तो इतनी लंबी ड्यूरेशन के टाइम पे जरूर डिमोटिवेट होते हैं। उस समय पे फैमिली और जो फ्रेंड्स होते हैं उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके इस प्रिपरेशन में और सिलेक्शन के अंदर आपके फैमिली और फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल था? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है हर चीज के लिए, हमेशा से किया है मतलब। और फ्रेंड्स ने भी, कभी भी मैं परेशान होती थी तो फ्रेंड्स को कॉल करती थी तो मुझे अच्छा लगता था उन लोगों से बात करके। कभी टेस्ट में कम नंबर आए तो उन लोगों से बात कर ली, तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बात होती थी तो अच्छा लगता था। ओके तो उन लोगों का हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ओके आपने आईआईटी से मास्टर्स करी थी? आपने मास्टर्स कहाँ से एनरोल करी थी जब आपने सर, ट्रांसफर? आईआईटी खड़गपुर से करी थी। आईआईटी खड़गपुर से। अच्छा आप ये गाइड कर पाएंगे लर्नर्स को कि क्या आईआईटी में रहते हुए मैं आप मास्टर्स करते हुए हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है अपने गेट और ईएससी की तैयारी के लिए? सर, टाइम तो निकालना पड़ता है। अब प्रोफेसर्स को भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आप काम करोगे, प्रोजेक्ट देते हैं वो, तो टाइम तो, पर ऐसा है कि कभी कभी कोई टीचर नहीं आता है तो बीच में टाइम मिल जाता है या ब्रेक का टाइम मिलता है, और फिर क्लास के बाद में भी सफिशिएंट टाइम रहता है। और एग्जाम के लिए तो सभी एक दिन ही पढ़ते हैं, लास्ट डे ही पढ़ते हैं, तो आप तैयारी करो या ना करो तो भी लास्ट डे ही पढ़ोगे, तो ओके बाकी के ठीक दिन तैयारी करने है का मतलब। टाइम मिल जाता है। और इनफैक्ट कॉलेज का अगर टाइम भी देखे तो 5 बजे 6 बजे तक होता है, उसके बाद का पूरा टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। हाँ, नॉर्मल डेज में 6 आवर्स एंड उसके छुट्टी वाले दिन 12 आवर्स निकाल सकते हैं, उतना बिल्कुल सफिशिएंट मतलब होता है तैयारी के लिए। सफिशिएंट होता है टाइम, कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर हम आईआईटी से या एनआईटी से एमटेक कर रहे हैं तो गेट ईएससी की तैयारी करने में कोई दिक्कत आती है? हाँ, और फिर आप गेट की तैयारी करके ही गए हो आईआईटी, तो थोड़ा बिल्कुल, तो तो थोड़ा रहता वो ही है कॉन्फिडेंस रहता आइडिया ही तो। है हाँ कि जब मैं गेट की तैयारी कर लिया तो इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी भी कर लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े अगर हम इफ यू कैरी फॉरवर्ड, श्वेता आप कोई एक टिप देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे लर्नर्स के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं? अभी एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम का सीजन चालू हो गया वापस, 1 महीने 2 महीने बाद इन बच्चों के पेपर भी हैं, गेट का भी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, काफी स्टेट सर्विसेज के जो पेपर है वो भी लाइंड अप है, तो व्हाट सजेशन यू विल गिव देम, क्या सजेशन दोगे आप इन लर्नर्स को कि किस तरीके से ये बचे हुए 1-2 महीने को यूटिलाइज करें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आए? लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम पे कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, अभी तो सिर्फ रिवीजन जितना पढ़ा है उतना ही अच्छे से पढ़ लो,
उतना ही अच्छे से रिवीजन कर लो, और पीवाईक्यूज पे ही फोकस करना चाहिए लास्ट टाइम पे, और टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। और मार्क्स नहीं आएंगे कोई बात नहीं, सबके नहीं आते, मेरे भी नहीं आते थे, मेरे बहुत कम कम मार्क्स आए टेस्ट सीरीज में, पर उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी रिविजन तो करते ही रहना है, और अलग अलग ओके एग्जाम की अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उतना ही अभी रिवाइज करना चाहिए। ओके एक लर्नर पूछ रहा है मैम योर एज क्यों, भाई तुम्हें एज क्यों जाननी है मैम की, मतलब कुछ भी सो आपका कहना है कि आखिरी के 2 महीनों में हमारा पूरा फोकस रिवीजन के ऊपर और जो पीवाईक्यूज है उसके ऊपर होना चाहिए। यस ओके चलिए, और जैसे अगर हम रिवीजन करते हैं और पीवाईक्यूज लगाते हैं, पीवाईक्यूज जैसे काफी लोग बोलते हैं कि अगर हम गेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सर हम एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगा लें, या अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टेट ए के पीवाईक्यू लगा लें, क्योंकि उनका एम बस ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है। तो क्या ये सही स्ट्रेटेजी है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको छोड़ के बाकी एग्जामों के पीवाईक्यू लगाएं? सर, ये मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने स्टेट एग्जाम भी निकाला, यूपीए का भी रिजल्ट है, यूपीए भी वो भी निकला, पर निकाल मैंने लिया, कभी कोई कोई छोड़ा एग्जाम आपने, सारे निकाल लिए। पर मैंने अलग से कभी उसका पीवाईक्यू नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ गेट और यूएससी का ही पीवाईक्यू लगाया था, तो ओके मतलब ये आपने केस गेट ही में तो ये लिया। नहीं। ओके और अल्टीमेटली अगर हम गेट ईएससी के लगाते हैं पीवाईक्यू तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो ही हाँ, जाता सारे कवर हो जाते हैं, वही घुमा फिरा के स्टेट में भी पूछते हैं। है, स्टेट में भी वही घुमा फिरा के पूछते हैं। हाँ ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप गेट ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट सर्विसेज की तैयारी तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कंप्लीट हाँ हो ही अलग जाती से नहीं करनी पड़ती है, और नॉन टेक तो थोड़ा देखना पड़ेगा, पर इंजीनियरिंग टेक्निकल की नहीं करनी पड़ती। है। हाँ नॉन टेक तो वेरी करता ही है फॉर हाँ दैट, नॉन क्योंकि टेक तो स्टेट में फिर स्टेट जीएस भी आ जाती है तो स्टेट आगे जीएस, पढ़ना किसी में पड़ता हिंदी आती है, जैसे यूपी वाले में हिंदी आई थी, तो है। वो ओके ओके अलग से पढ़ना पड़ता है। पर अच्छा मैम एक लर्नर ये पूछ रहा है कि कैन यू प्लीज एलेबोरेट योर आंसर वेरी प्रिसाइसली, आप क्या अपने आंसर्स को एलेबोरेट कर सकते हैं, मतलब उनको क्या डिटेल में समझने की आदत है, अगर डायरेक्टली बताओगे ना उनको समझ में नहीं सर, आता, एक वर्ड की बात समझ में नहीं आती उनको, तो वो ये चाहते हैं कि आप जो भी बता रहे हैं उनको एलेबोरेट करके बताओ, मतलब यहाँ पर भी इनको थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए एक एक बात डिटेल में, तैयारी के स्टार्टिंग फेज में ऐसा होता है। तैयारी के साथ मतलब बहुत सारी क्वेरीज होती है और वो जेन्युइन भी है कि हाँ क्वेरीज आती है माइंड में बहुत ज्यादा, तो मेरे ख्याल से इन्होंने सब कुछ क्रिस्पली बता ही दिया है। अच्छा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन के एक लर्नर पूछ रहा है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? प्री के पहले तो नहीं रखना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का टाइम बचे तो देख लो, पर प्री निकलने के बाद से तो कन्वेंशनल ही है, फिर उसके बाद से तो कुछ बचा ही ऑब्वियसली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ आप गाइडेंस देना चाहेंगे लर्नर्स के लिए, क्योंकि मैंने तो सारे एस्पेक्ट टच कर लिए हैं जितने भी क्वेरीज होती हैं लर्नर्स की, आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें लर्नर्स को कि किन चीजों के ऊपर फोकस रखना चाहिए अपनी तैयारी के अंदर? सबसे पहले नॉन टेक स्टार्ट करने से पहले टेक्निकल को स्ट्रांग कर लो, उसके बाद ही नॉन टेक स्टार्ट करो, वरना फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर बाकी है डिमोटिवेट नहीं होना है पूरी तैयारी के टाइम पे, पूरा बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, और एक साल में किसी का होता भी नहीं है, तो 2-3 साल लोग तैयारी करते हैं, 2-3 साल कॉन्टिन्यूअसली पढ़ने के बाद रिजल्ट आता है, तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए बीच में, वरना उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ फायदा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने आप को खुद ही मोटिवेट करके रखना है, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी नहीं ढूंढना। एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुद ही आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो टाइम की वेस्टेज वैसे ही कम हो जाती है। हाँ, खुद के अंदर होना चाहिए कि अभी जॉब नहीं है तो बस यही करना है, कुछ और नहीं करना है। बिल्कुल, एक लर्नर बोल रहा है कि मैम हमारा सब्जेक्ट इतना वाइड है सिविल इंजीनियरिंग का, उसको थरोली कैसे कंप्लीट किया जाए? वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए तो 1 साल तो मिनिमम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, 1 साल रिवीजन करने में ही लग जाएगा, नहीं ये वो तो है, ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये वो वाले हैं क्रैश कोर्स वाले हैं जो हाँ शॉर्ट टर्म 100 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन का सोचते हैं। काफी बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमें कोई बड़ी चीज चाहिए उसके लिए मेहनत भी उतनी बड़ी लगती है, मेहनत तो तो लगती है। बिल्कुल हमें कंटिन्यूअस अपने एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसके अंदर डे इन एंड डे आउट, उसके बाद ही रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि फाइनली सब लोग अभी जैसे आप
मेरे को भी ये चीज पता है कि सब लोग आपकी रैंक देख रहे हैं कि आपका गेट में भी सिलेक्शन हुआ और इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हुआ, मेरे को उसके पीछे की मेहनत दिख रही है कि कितना एफर्ट लगता है, क्योंकि मैं भी उस फेजेस से निकल चुका हूँ। उस के बारे में कोई बात नहीं करता है कि कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे आपने जॉब करते हुए, एमटेक की एमटेक के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स की भी इन्वॉल्वमेंट पे टाइम दे रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद अपना सेपरेट टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जब हम तैयारी भी कर रहे होते हैं, जैसे जॉब में हो गए आप, तो आसपास के लोग भी बोलते हैं कि यार जॉब तो कर ही रहे हो। हाँ ये तो होता है, लेवल 10 की जॉब है तो फिर क्यों कर रहे हो, जब जॉब लगी गई है पीएसयू में फिर क्यों कर रहे हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको भी डाउट में ले आते हैं। हम भी कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं इन सारी बातों से कि यार आईआईटी से एमटेक करी तो रहे हैं यार, अच्छी नौकरी लग जाएगी, क्यों मैं आगे पढ़ाई करूं। तो इसके पीछे जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और लोगों को वो चीजें दिखती नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि अगर आपको कोई बड़ी चीज अचीव करनी है तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही लगती है, मेहनत और सैक्रिफाइस भी, दोनों दोनों चीजें बिल्कुल। तो बिल्कुल श्वेता, आपने जितने भी पॉइंट्स हैं सारे टू दी पॉइंट लर्नर्स के साथ शेयर किए, आई होप कि इन्होंने भी नई चीजें सीखी होंगी एक्सपीरियंस आपसे, और उसको वो अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली एक बढ़िया स्कोर अटेन करेंगे अपने कमिंग एग्जाम्स के अंदर। यस सर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। एक लर्नर ये बोल रहा है कि जेई एग्जाम के लिए कितना, आप देखो अभी जेई पे आ गए कि जेई एग्जाम के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। जेई तो मैंने नहीं, मेरा नहीं निकला था जेई। शौकत खान, अभी जैसे हमने डिस्कस किया दोनों ने कि आपकी प्रिपरेशन में एक साल तक का टाइम लग जाता है, चाहे कोई सा भी पेपर निकालो, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है और उसमें एक साल के आसपास का टाइम लग जाता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हो कोई सा भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। जब निकलते हैं तो सारे ही निकलते हैं, फिर एक दो एग्जाम कोई नहीं निकलते, जब सिलेबस कंप्लीट होता है, रिवीजन पूरा होता है तो सब निकलते हैं। जब आती है फिर नाम सारे एग्जामों में एक साथ पैरेलली आने चालू हो जाते हैं। हाँ, अभी स्टार्टिंग में तो सिलेबस कंप्लीट करने पे ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई होप मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज आर रिजॉल्व्ड। जितनी भी क्वेरीज आप रोज मुझसे पूछते हैं वो सारी मैंने श्वेता से भी पूछी है। तो अब जो भी इन्होंने बताया है सिर्फ सुनना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और अपने स्कोर को भी इनहेंस करना है। अच्छा, एक लर्नर बार बार ये मैसेज कर रहा है कि मैम कभी कभी बहुत पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बनते, तो तब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो आप बोल भी रहे थे टेस्ट सीरीज के बारे में, तो इनको क्या बोलना चाहेंगे आप? क्वेश्चंस नहीं बन रहे कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम में बन जाएंगे, एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हो जाता है क्वेश्चन सारे, अगर आपने प्रैक्टिस की है, कुछ भी डिफिकल्ट टॉपिक है तो भी उसके भी एग्जाम में बन जाएंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। बिल्कुल, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो एक लेवल हमेशा ऊपर ही रखते हैं ताकि एग्जाम में जाके इजी लगते हैं क्वेश्चन, इजी लगे क्वेश्चन आपको, आप या नर्वस नहीं हो जाए वहाँ पे क्वेश्चन को देख के। तो जब भी तैयारी कराई जाती है एक लेवल हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, तो अगर आपसे सवाल नहीं भी बन रहे कोई फर्क नहीं है, आप अपनी वापस बेसिक रिवीजन पे जाइए, नोट्स को कवर कीजिए और दोबारा से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद द लर्नर्स। थैंक यू सो मच।